इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पश्चिम बंगाल से। चौथे राउंड में 5 घंटे की वोटिंग हुई है और इस दौरान इस चुनाव की सबसे बड़ी हिंसा की खबर भी सामने आई है। चुनावी हिंसा में अब तक 5 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नॉर्थ बंगाल के कूच बिहार से आई है, जहां सितालकुची के गोलागंज इलाके में एक ही बूथ पर 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों की पहचान हमीदुल हक, मोयरुक हक, सम्यूल मिया और अमजद हुसैन के तौर पर हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। कूच बिहार में जबरदस्त हिंसा हुई है, 4 लोगों की जान गई है। सितालकुची में एक ही बूथ पर इन 4 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों के नाम हमीदुल हक, मोयरुक हक, इसके अलावा सम्यूल मिया और अमजद हुसैन बताए जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हालांकि राजनीतिक हिंसा का चरित्र पश्चिम बंगाल का रहा है, लेकिन बीते 3 फेज से ज्यादा हिंसक हो गया है ये चौथा फेज, जहां पर 4 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता खबर पर जुड़ गए हैं। मनीष, पिछले 3 चरणों में हमने देखा कि बवाल हुआ, लेकिन इस चरण में तो बहुत ज्यादा हिंसा हो गई, 4 लोगों की जान चली गई। मनीष का हम दोबारा रुख करेंगे, लेकिन वहां की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। माहौल तनावपूर्ण है, चिंता है लोगों के चेहरे पर। सुरक्षा बल अपना काम ठीक तरीके से कर रही है, लेकिन इसके बावजूद ये राजनीतिक हिंसाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अगली ब्रेकिंग न्यूज कूच बिहार से ही है। जबरदस्त हिंसा की खबरें आ रही हैं और इस हिंसा में यहां बीजेपी के एक वर्कर की गोली मारकर हत्या हो गई है। घटना सितालकुची की है, जहां पर पोलिंग बूथ पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। इस दौरान गोली और बम भी चले। झड़प में बीजेपी कार्यकर्ता आनंद बर्मन की जान चली गई। अब वही तस्वीर आपके सामने है। जगह जगह हिंसा की खबर आ रही है और अब अस्पताल की तस्वीरें भी आ रही हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हुआ, हिंसा हुई और उसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। और इस बीच ये भी बता दें कि कूच बिहार में बीजेपी वर्कर की मौत की भी खबर है। यहां ना सिर्फ गोलियां बरसाई गई हैं, बम भी बरसाए गए हैं और बीजेपी वर्कर्स का भी आरोप है कि गुंडागर्दी, बेरहमी टीएमसी वालों ने की है। टीएमसी समर्थक बम और बंदूक से लैस थे, आते ही ईंट और पत्थर चलाने उन्होंने शुरू कर दिए। इस दौरान कई गोली भी चली, बम भी चले, खाली खोके आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। ধর্মাত বাহিনী রা এখানে জড়ো হয়েছিল, আমাদের লোকেদের এইভাবে একজনকে মেরেছে, অনেকে পাথর মেরেছে, অনেকে আহত হয়েছে, বম বন্দুক অনেক কিছু নিয়ে আসছে। আমরা আমরা জবাব দিতে আমরা তাদের তৃণমূলে হারমাদের সামনে পুলিশে বারবার জানা সত্ত্বেও পুলিশ প্রশাসন আসলো না। আমরা অনেকবার পুলিশ প্রশাসনকে জানাচ্ছি, তবু পুলিশ প্রশাসন এখনো আসলো না কেন? हिंसा, हमले और हंगामे की इस ब्रेकिंग न्यूज पर जुड़ चुके हैं संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ। मनीष, इस वक्त हालात क्या हैं, क्या कोई एक्शन लिया गया है और साथ ही क्या इस तरह के हिंसा बवाल और हंगामे के बीच वोटिंग ट्रेंड पर भी असर नजर आ रहा है? तक जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, मौत का आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है और जो सेंट्रल फोर्सेस की जो और जो टीमें हैं वो वहां पर भेजी गई है। बीएसएफ की तरफ से जो डीआईजी लेवल के जो अधिकारी हैं वो हवाई सर्वेक्षण करते हुए कूच बिहार की तरफ रवाना हुए हैं और टीएमसी ने अभी फिलहाल टीएमसी की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है इलेक्शन कमीशन को। फिलहाल हंगामा बहुत ज़्यादा चल रहा है और जो खबरें हमारे पास आ रही थी उसके मुताबिक सुबह 126 नंबर बूथ था सितालकुची का, कूच बिहार का, वहाँ पर दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई और झड़प इतना ज़्यादा हो गया कि तनावपूर्ण हो गया माहौल। पूरे इलाके को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, मौके पर पुलिस बल वहां पर मौजूद नहीं था, बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई और बहुत वायलेंस हुआ जिसमें लगभग 5 लोगों की मौत हो गई और पैरामिलिट्री फोर्सेस की अतिरिक्त टुकड़ी कूच बिहार में रवाना की गई है। नजर बनाए रखे हालात पर, आगे भी मनीष अपडेट लेंगे। पश्चिम बंगाल का चौथा राउंड हिंसा से भरा हुआ है और इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज पश्चिम बंगाल के बीरभूम से है, जहां 1-2 नहीं बल्कि करीब 50 बम बरामद हुए हैं। लेकिन उसी बीच एक बड़ी खबर, मरने वालों के नाम सामने आ चुके हैं। बंगाल चुनाव की अब तक की ये सबसे बड़ी हिंसा की खबर हम आपको बता रहे हैं। कूच बिहार में चुनावी हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है,
मरने वालों का आंकड़ा पहले 4 था, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है। अभी अभी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने हमें इस पर यह एक बड़ा अपडेट दिया है। ब्रेकिंग न्यूज, मरने वालों का नाम समयूल मिया है। इसके अलावा और जो 3 नाम है वो सामने आ चुके हैं, लेकिन वो 5वां शख्स कौन है ये तस्वीर विचलित करने वाली। आप तस्वीरें देखिए। क्यों ऐसे बोलूं दादा? लगातार बिगड़ते हालात पर अधिकारियों की भी नजर है। समाता मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि हवाई सर्वेक्षण किया गया और इस बात को भी सुनिश्चित किया गया कि हर जगह पोलिंग बूथ पर वोटिंग जारी रहे। लेकिन अब ये अस्पताल के अंदर की भी तस्वीरें आ रही है, जहां परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हिंसा हंगामे के बीच उन्होंने अपनों को खोया है। आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पूछा जा रहा है कि हुए से, यानी क्या हुआ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।